हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग की लेक्चर सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं इवोल्यूशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारे प्रीवियस वीडियो में जैसा आपने देखा कि हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे आई बटन में जाके एक लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हो उस वीडियो को। बाकी आज के वीडियो की अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशंस, या अगर हम इवोल्यूशंस की बात करें तो इसका क्या मतलब है। तो इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आज के समय में काम कर रही है तो उस टेक्नोलॉजी का प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, या कहाँ से किस टेक्नोलॉजी को बेस लेके वो नई टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई होगी। क्योंकि अगर कोई भी रनिंग टेक्नोलॉजी है तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में वो टेक्नोलॉजी आज अचानक से आ गई होगी, नहीं, उसका कुछ ना कुछ प्रीवियस हिस्ट्री होगा। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज रही होंगी कि जो पहले के समय में कुछ ना कुछ तो काम करती ही रही होंगी, उन्हीं टेक्नोलॉजीज को उसको इम्प्रूव करके, उसमें प्रोसेसेस को इंक्रीज करके या इम्प्रूव करके नई टेक्नोलॉजीज आती हैं जो कि आज के समय में हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की तो ऐसा नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एकदम से अचानक से आज के डेट में आ गया कहीं से, नहीं, उससे पहले भी कुछ ऐसे कंप्यूटिंग प्रोसेसेस थे जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, बट उन प्रोसेसेस में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस उतना इम्प्रूव परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा था, जिसके जो चीज़ हम जो सर्विसेज यूज़ करना चाह रहे थे अकॉर्डिंगली यूज़र अपने हिसाब से नहीं यूज़ कर पा रहा था। तो हुआ क्या कि जो प्रीवियस प्रोसेसेस थे उनको इम्प्रूव किया गया, कुछ इम्प्रूवमेंट्स ऐड किए गए, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐड की गई जिसकी हेल्प से प्रेजेंट टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन कौन कौन सी ऐसी कंप्यूटिंग सर्विसेज थी जो कि पहले यूज़ की जा रही थी, जिसने बेस दिया क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो इसके लिए हम देखते हैं एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अब जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो बना हुआ है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यानी कि इनिशियली जो कंप्यूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसको हम कहते थे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। वो नियर अबाउट 1950s में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो आया दैट वॉज मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की अगर जो भी प्रॉब्लम्स थी या कुछ ऐसी कमियाँ रह गई होंगी तो उसको सॉल्व करके नेक्स्ट जो आया दैट वॉज मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटिंग इसका कुछ प्रॉपर्टीज रहा होगा, कुछ इसमें भी कमियाँ रही होंगी, तो नेक्स्ट इन मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के इसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आया एग्जिस्टेंस में दैट वॉज क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग इसके भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स रहे होंगे, मीन्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ बेनिफिट्स रहे होंगे, और नेक्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम्स रही होंगी उसको रिमूव करके नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आया दैट वॉज ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग इसके भी कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंप्यूटिंग यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग के बाद जो आया एग्जिस्टेंस में नियर अबाउट 2007 में दैट वॉज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यानी कि यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये सक्सेसर था किस टाइप ऑफ की कंप्यूटिंग का, ग्रिड कंप्यूटिंग का। मीन्स कि 50s से डेवलपमेंट होते होते कई सारे ईयर्स में देख पा रहे हो आप, इतना लंबा समय लगा जिसमें कि कई सारे इम्प्रूवमेंट्स ऐड किए गए, कई सारे प्रॉपर्टीज़ ऐड की गई, जिसके बाद 2007 में हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग फिर आया एग्जिस्टेंस में। उसके बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे थे, उसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर पा रहे थे। अब अगर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हर एक टाइप की कंप्यूटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करके नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आया, तो अब यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक टाइप की कंप्यूटिंग में क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको रिमूव करके क्या प्रॉपर्टीज ऐड करके नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आया। तो सबसे पहला जैसे हमने यहाँ पे देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अब अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तो सबसे पहली चीज़ ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ अ बिजनेस इनटू डिफरेंट सब सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ऑन डिफरेंट मशीन्स। मतलब ये कि जैसे कोई भी एक गिवन सर्विस है आपके पास, अब उसको हम क्या करते हैं डिफरेंट सब सर्विसेज में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद उसको डिफरेंट सिस्टम पे हम इंस्टॉल करते हैं, और उन सर्विसेज को अगर यूज़र यूज़ कर पाता है तो इस केस में वो जो सर्विस होगी वो किस टाइप की होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। कहने का मतलब ये कि कोई भी एक इनिशियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई भी एक
सर्विस है अगर, तो वो क्या कर रहा है, उसके कई सब पार्ट्स उसको डिवाइड करके, सर्विस को कई पार्ट में कैटेगराइज करके डिफरेंट मशीन पे उन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर कंप्यूटिंग का अगर प्रॉब्लम की बात करें कि इस टाइप की कंप्यूटिंग जिसमें कि इस तरीके से हम सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे थे, प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स ऑल द सिस्टम टू बी प्रेजेंट एट सेम लोकेशन। कहने का मतलब ये कि इसमें सब सर्विसेज जो कि डिफरेंट सिस्टम्स पे इंस्टॉल की गई थी जिसको कि यूज़र यूज़ कर रहा था, तो उस केस में क्या था कि जितने भी सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे सिस्टम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होना कंपलसरी है। मींस ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आप उसको कहीं आप सपोज नेक्स्ट प्लेस पर जाते हो तो वो सारे के सारे सिस्टम आप अपने साथ कैरी तो नहीं कर सकते हो। तो इस केस में क्या था कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अगर सिस्टम होगा, सारे अगर हम डिवाइड करके सर्विसेज अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके नेक्स्ट जो टाइप का कंप्यूटिंग आया, नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। अब अगर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, हाईली पावरफुल एंड रिलायबल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। यहाँ पे आप इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, डिजाइन टू प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कहने का ये कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग मशीन्स आई उसमें हम एक साथ बल्क में डेटा प्रोसेस कर सकते थे, एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसको प्रोसेस किया जा सकता था। तो एक तरीके से ये बेनिफिशियल ही है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड में उतना सारा डेटा एक साथ हम प्रोसेस नहीं कर सकते थे, बट मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के केस में ऐसा नहीं था। इसमें हम अगर जैसे बल्क में डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वो इसमें हम कर सकते थे। और अगर क्वेश्चन ये है कि अब अगर इस तरह की सर्विस, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर आएगी, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज़ कोई एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा एक ये बहुत बड़ा टास्क रहता है कि बल्क में कोई भी डेटा प्रोसेसिंग करनी हो तो कौन सा ऐसा कंप्यूटिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाए, कैसी मशीन्स यूज़ की जाए जो कि बल्क में डेटा को प्रोसेस कर सके, एक साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सके। तो वो ऑर्गेनाइजेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते थे अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अब ये अगर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग की बात करें कि अगर ये इतना बेनिफिशियल था, इस तरह बल्क में डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहा था, तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम इस केस में सबसे बड़ी ये थी कि अगर कोई ये मशीन मेन फ्रेम इतना सारा काम एक बार में कर तो रही थी, बट साथ ही साथ वो बहुत एक्सपेंसिव थी। तो एक्सपेंस मतलब कॉस्ट तो मैटर करती ही है, अगर सपोज़ कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका अगर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो हर समय ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इतना आसान नहीं था इस टाइप के कंप्यूटिंग मशीन्स को अपने साथ रखना, उसको परचेज़ कर पाना। क्योंकि अगर सपोज़ जैसे छोटे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनका जो भी होता है उनके पास इतना कॉस्ट तो नहीं हो सकता कि हर समय वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को परचेज़ करके अपने साथ रख पाएँ। मीन्स इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये एक इसका इस मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट जो आया, दैट इज़ क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो अगर हम क्लस्टर कंप्यूटिंग की बात करें, क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स आर ग्रुप टुगेदर टू अचीव द सेम बिजनेस एंड रिगार्डेड एज वन कंप्यूटर। कहने का मतलब ये कि इसमें डिफरेंट सर्वर्स उसको अगर कंबाइन करके एक साथ ग्रुप करके एक सिंगल ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि मल्टीपल सर्वर्स कंबाइन होकर एक सिंगल सिस्टम की तरह प्रिटेंड करें और यूज़र उस सिंगल सिस्टम से सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, तो इस टाइप का कंप्यूटिंग प्रोसेस क्लस्टर कंप्यूटिंग कहलाता था। तो क्लस्टर का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग किस चीज़ से है, ग्रुप्स, मीन्स कि डिफरेंट सर्वर्स अगर उनको हम क्लब करके कंबाइन करके एक सर्वर बना रहे हैं जो कि एक जनरल सर्वर की तरह काम करेगा, तो इस टाइप का जो भी कंप्यूटिंग प्रोसेस था वो क्लस्टर कंप्यूटिंग कहलाएगा। अब इसकी अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम इस केस में क्या थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल लोकेशन स्टिल परसिस्ट। कहने का मतलब ये कि जो प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, इसमें भी सेम ही चीज़ थी कि उन पर्टिकुलर सिस्टम्स का सेम उस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर प्रेजेंट होना कंपलसरी है। उसी तरीके से क्लस्टर कंप्यूटिंग में भी यही रिक्वायरमेंट थी कि जितने भी सिस्टम्स, जितने भी सर्वर्स जिनको कि क्लब किया जा रहा है वो सब उसी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट हो। अगर वो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो यहाँ पे इस टाइप की कोई भी ग्रुपिंग
नहीं की जा सकती थी। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इसमें भी सारे के सारे सिस्टम सेम लोकेशन पे होना कंपलसरी है। तो अब नेक्स्ट क्लस्टर कंप्यूटिंग इसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जो आया दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। अब अगर हम बात करें कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स आर प्लेस्ड एट एंटायरली डिफरेंट लोकेशंस एंड कनेक्टेड वाया इंटरनेट। मतलब ये कि ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या था कि डिफरेंट सिस्टम वो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल थे और उन सिस्टम्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया गया था, कनेक्ट किया जा सकता था ताकि उसकी सर्विसेज को यूज़ किया जा सके। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में थी और जो प्रॉब्लम क्लस्टर कंप्यूटिंग भी थी, इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है ग्रिड कंप्यूटिंग, जिसमें कि सारे के सारे सिस्टम का सेम लोकेशन पे होना कंपलसरी नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू अ सक्सेसर ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। मीन्स कि अगर हम बात करते हैं तो ग्रिड कंप्यूटिंग इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया किस लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो इसने बेस किसका लिया, ग्रिड कंप्यूटिंग का, जिसमें कि क्या हो रहा था कि डिफरेंट लोकेशंस पे अगर सिस्टम अवेलेबल्स थे वहाँ से भी उनको एक साथ सर्विसेज ग्रुप किया जा सकता था थ्रू द इंटरनेट। अब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जैसे कि डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि एक डिफरेंट लोकेशन पे, किसी रिमोट लोकेशन पे सर्विसेज एक जगह क्लब की गई हैं, ग्रुप की गई हैं और वहाँ से यूज़र अपने नीड के हिसाब से एक्सेस राइट लेके वहाँ से सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो सेम ही प्रॉपर्टी आप ग्रिड में भी देख रहे हो कि जो भी सर्वर्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है और उनको इंटरनेट के थ्रू क्लब किया जा रहा है। मींस कि इसी की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया गया किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में। और क्लाउड कंप्यूटिंग आप हम देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर पा रहे हैं, उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये सारा हमने देखा अभी कि इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सारे कंप्यूटिंग प्रोसेसेस थे जिसने कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ताकि हम आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर पाएँ, उसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएँ, उसको इस्तेमाल कर सकें। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।